साथियों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और इस वक्त हम जौनपुर में हैं। जौनपुर के बीआरपी मैदान में हूँ और मैदान में देख सकते हैं ये जौनपुर है और जौनपुर मैदान में किस तरीके से ये गरीब है और सच में गरीब है ये लोग ठिठिरती हुई ठंड में। और जिस तरीके से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चारों तरफ कुहेसा है और कुहेसे के बीच और एक पेड़ के नीचे अपने आशियाना ये लोग बनाए हुए हैं। मैं जब इस ग्राउंड के पास आया तो देखा ये लोग अपना भोजन वगैरह कर रहे थे और ये लोग इस खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। इनका कोई नहीं है, कौन इनका सहारा बनेगा? क्या जौनपुर में समाज सेवी नहीं है? क्या जौनपुर में ऐसे दानवीर नहीं है जो इन गरीबों को मदद कर सके, जो खुले आसमान में इस ठिठुरती ठंड में छोटे छोटे नन्हे बुन्हे बच्चे जिस तरीके से इस ठंड में देख सकते हैं, किस तरीके से ठिठुरती हुई ठंड में ये लोग अपने गाल पे हाथ रख के अपने बैठे हुए हैं और ये लोग आशा लगा रहे हैं। शायद हमें भी पता होगा ये लोग स्कूल में नहीं जाते हैं। इन्हीं से पहले बात कर लेते हैं। आप ही जौनपुर के हैं? हम जौनपुर के। उनका घाव हुआ, पैर कट गया। हाँ। और आपको ठंड लग जाएगी माता जी, और ठंड लग जाएगी। आप साल वगैरह कुछ नहीं पहनी है, स्वेटर नहीं पहनी है? नहीं साहब, कुछ नहीं है। पैसा नहीं है आपके पास? नहीं साहब, हमारे पास पैसा, हम तो 10 रुपया भी। घर है आपके पास? नहीं। घर भी नहीं है? घर भी। पैसा भी नहीं है? नहीं है। स्वेटर भी नहीं है? नहीं। तो कोई मदद करने के लिए आप लोगों को आता है? कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। घर घर के लिए तो योगी सरकार कहती है गरीबों के लिए हम आवास दे रहे हैं, तो आपको आवास नहीं मिला? नहीं साहब, हमको आवास नहीं मिला। हो सकता आप बाहर ही कहीं विदेश से, दूसरे देश से नहीं यहाँ पे आए? नहीं नहीं। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ है। आधार कार्ड हो तो दिखाइए, और देख सकते हैं ये प्रूफ है और दिखाने की कोशिश करूंगा। और देख सकते हैं रवि, रवि नाम है। और रवि किसका नाम है? हमारे पति का। आपके पति का नाम? ये पति है? हाँ। अच्छा, ये पति है। और ये तूफानी असवारा जौनपुर केराकत उत्तर प्रदेश के, और पिन कोड नंबर है 222142। ये पिन कोड नंबर है और आप देख सकते हैं केराकत उत्तर प्रदेश के ये लोग रहने वाली हैं। ये जौनपुर के हैं, ये जौनपुर के हैं और जौनपुर शहर में आप रह रही हैं। अच्छा, हमारे नैहर ही है सर। नैहर है यहाँ पे? हमारा नैहर ही। हाँ। हमारे बाप मतारी नहीं है? हाँ। जो मतलब हमारे बाप मतारी नहीं है, हम लोग यही बचपन के, हमारे लोग के बनाया हुआ है। बचपन से हम लोग के बसेरा यही है। हम लोग ससुराल में नहीं गए, सास ससुर मर गए, हम लोग वहाँ नहीं गए। वहाँ भी हम लोग के झोपड़ी रहा, वहाँ के प्रधान नहीं दिया। वहाँ के प्रधान नहीं दिया? नहीं दिया। किराकत का? हाँ नहीं दिया, वो अपना जमीन ले लिया। तो हम लोग साहब यही भाग के अपने नैहर में गुजारा करे, यूँ हम लोग के ठिकाना ना मिला था। यहाँ भी नहीं मिलता है? नहीं। तो खाना आप कहाँ बनाती हैं, भोजन कैसे बनाती हैं आप लोग? भोजन ऐसा बनाते हैं साहब, दिन भर भीख मांगते हैं संजा के। इसी पेड़ के नीचे बनाती है? इसी पेड़ के नीचे बनाते हैं। मतलब भीख मांगती है तो एक दिन में कितना पैसा मिल जाता है? अभी एक दिन में साहब 50 मिल जाए, 60 मिल जाए, वही में साग सब्जी आटा चावल सब मिल जाता, वही में अपन बनाई के अपने बच्चन के खिलाई थे। बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। तो योगी सरकार गरीबों की दावा करती है, गरीबों को मदद करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं ओ, उनके बस इतने कहा कि बस हम लोग के लिए कहीं नान के झोपड़िया दे दें, एक बीटक जमीनिया दे दें, वही हम लोग बनाए के अपने बच्चन के कम से कम ठिकाना तो कह लिए, वही हम लोग अपन बसेरा कह लिए। भीखे मांग के खा बेकी, वही तो अपन बसेरा कर ले, कहीं तो कहीं एक बीटक जमीन हम लोग के दे दें गरीब के रहने के लिए, और हम उनसे कुछ न कहा, खाली एक बीटक उनसे जमीन मांगे थे कि हम लोग के कहीं रहने के ठिकाना दे दें। देख सकते हैं ये माता जी ठिठिरती हुई ठंड में कांप रही हैं, और ये कांप रही हैं, इनकी शरीर पूरा वाइब्रेट है इस ठंड की वजह से, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं कि राकत के किस गांव के रहने वाली है। मैं आधार कार्ड आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, वहां के बता रही हैं प्रधान, और इन लोगों को आवास वगैरह नहीं दिए। इधर लाइए आधार कार्ड, इधर लाइए, और ये भी इन लोगों का आधार है, और ये बदामा देवी है, और बदामा देवी, और ये भी धर्मराज उर्ली सोनिकपुर जौनपुर के रहने वाली है। तो सोचिए भैया, ये लोग कोई बाहरी नहीं है, जिला जौनपुर के ही हैं, लेकिन मजबूरन जब गांव में इनके पास जमीन नहीं रहेगा, कोई खाने के लिए व्यवस्था नहीं रहेगा, तो इन लोगों के मजबूरन भीख मांगना पड़ेगा। अब बताइए आपका क्या नाम है?
हमारा चिंता नाम है। चिंता नाम है। तो आप लोगों को कोई चिंता उन्ता करता है कि आप लोगों को घर मिल जाए, आवास मिल जाए, रहने के लिए कोई व्यवस्था मिल जाए, कोई आप लोग को हाल चाल लेने आया कभी? नहीं नहीं। कितना दिन से आप लोग इस तरीके से भीख मांग रही हैं शहरों में? अरे साहब, ढेर दिन से भीख मांग रहे हैं, कोई नहीं देता है। और साहब यही तरह आवास वास नहीं मिले, छोटे छोटे बच्चा है, बेवा है हमारा। पढ़ने जाते हैं? नहीं साहब, हम किसके कमाई पाएंगे कि पढ़ाएंगे? खुद ही भीख मंगाती होंगी? हाँ साहब, हमारे कोई है नहीं है, पापा इसका खत्म हो गया। आपके पति नहीं है? नहीं, हम अथवा है, विधवा है। हाँ विधवा है। पेंशन भी नहीं मिलता? नहीं, मतलब इस बहुत सारा तकलीफ है। घर द्वार नहीं है हमारे, रहने के बच्चे छोटे छोटे है हमारे, खाले बिना मरते हैं, भीख टुकड़ा मांग के बच्चे। जौनपुर के सांसद जी से क्या गुहार लगाएंगे? ये लगाएंगे कि कहेंगे कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार हमारे 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 घर दे दो, हमके अपने बच्चन के लेके, अपने नमक रोटी खा के अपने बच्चन के हम लेके झोपड़ी में रह के, मतलब निवेदन कर रही हैं। और ये है क्या नाम बताई है, चिंता। और चिंता जी यहाँ जौनपुर के सांसद जी से निवेदन कर रही हैं कि हमको इस ठंड के महीने में कोई व्यवस्था करा दें रहने के लिए, जो ये खुले आसमान में पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं। और मैं रात के समय जब इस ग्राउंड पे आया तो देखा ये लोग अपने खुले आसमान में ये लोग खाना बना रही थी और ये अलाव की व्यवस्था किए थे। और इसी रात में ये लोग अलाव जला के अपना जीवन यापन करते हैं। देख सकते हैं एक माता जी हैं ये लोग। और आपका क्या नाम है? रीना। रीना जी ये बताइए, रीना जी आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हम तो 30 साल से हैं। 30 साल से शहर में हैं? हाँ। और 30 साल में कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाई घर और का? कुछ नहीं। भीख मांगती हैं, मजदूरी नहीं करती हैं? नहीं, हम लोग तो रहे मजदूरी धतूरी करके हम लोग अपना पेट जी रहे हैं। मजदूरी करती है? लेकिन आपका कोई दुख कभी कोई मीडिया वाला कोई बड़ा नेता सांसद सब आते हैं कहते हैं कि हम आवाज दिला देंगे, है दिला देंगे, कोई नहीं दिलाता। वोट देती हैं आप? हाँ वोट देते हैं। कौन सी सरकार को देती हैं? कौन सी पार्टी को? जो है मोदी सरकार होगी सरकार उन्हीं को देते हैं, और किसको दे? आप दलित से हैं आप लोग? हाँ, आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, सब कुछ है हमारे पल्ले। मतलब सब कुछ है? सब कुछ है। बैंक में खाता भी है? खाता भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। उसके बाद भी आप कैसे छूट गई इस, लेकिन इस, क्या इस अच्छे योजनाओं से सरकार? लेकिन क्या करे, हम लोग हम अकेले हैं, एक मुंह से कौन सुनेगा? हम लोग गरीब आदमी को कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। लोग तो कहते हैं कि हम गरीबों की सुनते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, तमाम बिल्डिंगे बना रही है सरकार गरीबों के लिए, उसमें भी नहीं मिला। काई कर जाएंगे हम, ये बना देंगे, आवाज दिला देंगे, घर दिला देंगे, लेकिन कोई कह कर जाते हैं, लेकिन दोबारा कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता, वोट ले लेता है। हाँ। तो वोट आप लोग पैसे पे देती हैं, मुर्गा पे देती हैं, कैसे देती हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग ये देख जाते हैं कि भाई हम लोग कुछ ठिकाना हो जाए, मतलब ये गरीब झूठे बदनाम है कि पैसे पे बिक जाते हैं, मुर्गा पे बिक जाते हैं, दारू पे बिक जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बात ना भाई, ये बदनाम किया जाता है गरीबों को। हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन का खाली बहला कर जाते हैं कि आते हैं वोट दे दीजिए, हम तुम लोग को सब चीज देंगे। हमको भैया हमें कुछ मत दीजिए, बस रहने का ठिकाना दे दीजिए हम लोग का, रहने का ठिकाना। हाँ बस, लेकिन कई कर जाते हैं भैया, दोबारा कोई नहीं आता। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आपका तबीयत खराब होता है तो पैसा कैसे इकट्ठा करती है बच्चों का? का करा जाएगा, अब लिखाई कराती है बच्चों को? पढ़ने कहाँ से, पेड़ तो जी जाए वही बहुत, तो पढ़ने लिखने कहाँ से जाएंगे? जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, कम्बोजी विद्यालय है, वहाँ पे बच्चों के लिए भरपेट भोजन मिलता है, कुछ तो भोजन भी मिलता है और पढ़ाई निशुल्क वहाँ क्यों नहीं भेजती है आप लोग? भैया आजकल गरीबों को कौन सुनता है? चलिए हम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं स्कूलों में। गरीब लोग का तो बच्चों को देख कर सब भगा देते हैं, कौन सुनता है गरीब लोगों का? इधर आओ आप सब बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, इधर पीछे आओ, पीछे आओ, इनके पीछे आओ, गरीब लोग पीछे आओ, पीछे आओ, देखो आ गए, थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा सा आओ, सभी लोग आओ,
आप लोग पढ़ना चाह रहे हो? हाँ भैया। हाँ? हाँ। क्या नाम है? आकाश मेरा। तुम्हारा क्या नाम है? कल्लू। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? काजल। काजल ये हाँ। बताओ पढ़ना चाह रही हो? हाँ अंकल। कितने कौन से क्लास में अभी कभी पढ़ने गई हो? ना स्कूल में नहीं नहीं गई हो? नहीं। कितने साल के हो गई हो? 12। और आप इधर आओ, क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी इधर आओ। अब तुम्हारा क्या नाम है? मतलब आप लोग पढ़ने जाओगी? आप लोग का स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए तो